Hey guys, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। वेलकम है आपको इंडियन पीसी वॉर्स एपिसोड नंबर 78 में। इंडियन पीसी वॉर एक ऐसी सीरीज है जहां पर आप अपना सेटअप सबमिट करते हैं और हम उसे अपने चैनल पर फीचर करते हैं, और अगर आप भी पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया हुआ जहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द इंडियन पीसी वॉर्स बिगिन। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई windowkey.in। अगर आप यहाँ पर चीप में जेन्युइन विंडोज 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप windowkey.in को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपये में और रिटेल की 1350 रुपये में देखने को मिल जाती है। वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं जाकर चेक कर सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है रूप कुमार रेड्डी, जो कि 21 साल के स्टूडेंट हैं। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप बिल्ड कर रखा है। इनके सेटअप में यहाँ पर आप जो सबसे पहली चीज नोटिस करते हो वो है इनका मल्टी मॉनिटर। बजट सेगमेंट में रहते हुए बंदा यहाँ पर मल्टी मॉनिटर का यूज कर रहा है, और टू बी ऑनेस्ट जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मल्टी मॉनिटर होने के साथ साथ बंदे ने यहाँ पर कलर थीम पर भी काफी ज्यादा फोकस किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने अपने सारे पेरिफेरल्स जो है वो अपनी RGB के साथ सिंक कर रखे हैं, और टाइम टू टाइम ये वॉलपेपर भी चेंज करते रहते हैं ताकि इनके सेटअप के अक्रॉस जो थीम है ना वो मेंटेन रह सके। बात करें इनके सेटअप के बारे में तो आप देख सकते हो मल्टी मॉनिटर यूज कर रहा बंदा, उसके बावजूद भी टेबल टॉप पर जो है क्लीननेस काफी अच्छी मेंटेन है। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का रैंडम पेरिफेरल्स या गंदगी देखने को नहीं मिलती। बंदे ने यहाँ पर केबल मैनेजमेंट को भी काफी ज्यादा सीरियसली लिया है। टेबल टॉप पर आपको ज्यादा वायर्स भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। और भाई अगर बात आती हाल है इनके कैबिनेट के अंदर की, तो यहाँ पर बंदा एक प्रीबिल्ड OEM वाला PC यूज कर रहा है, तो अंदर ज्यादा कुछ इनका कोई खास कंट्रोल रहता नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर जैसा भी है इन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर ये दो मॉनिटर यूज कर रहेगा, एसर का 19 इंच का और दूसरा सेकेंडरी है वो है मास्टर 17 इंच का मॉनिटर। माउस और कीबोर्ड यहाँ पर कॉस्मिक बाइट का कॉम्बो है। स्पीकर यहाँ पर FND के है। हेडसेट यहाँ पर ऑडियो टेक्निका का है। वही बात करें इनके PC स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं Core i5 थर्ड जनरेशन, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे GT710 ये यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जिनको CPU परफॉर्मेंस मिलता है वो काफी बेसिक मिलता है। और वही बात आती है गेमिंग की, तो GT710 जो है इनको 720p लेवल की सबसे लोएस्ट फॉर्म वाली गेमिंग ही केवल करवा पाता है। HDN अगर बात करें मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास सजेशन देने नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर जो इनका कैबिनेट है वो बिल्कुल लो फैक्टर वाला है, तो इनके पास जो ग्राफिक्स कार्ड की चॉइस बचती है वो बहुत ही कम होती है। तो जब तक आप ये PC चला रहे हो चलाएं, बाद में अगर एक नया PC बिल्ड कर सकते हो तो जरूर करें। थैंक यू रूप पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड कंटेस्टेंट के बारे में अगर बात करें, इनका नाम है रॉबिन सिंह, जो कि 18 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप बिल्ड कर रखा है। इनके सेटअप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बंदे ने पूरा का पूरा सेटअप जो है वो टेबल टॉप पर रख रखा है, उसके बावजूद भी बंदे ने यहाँ पर जो क्लीननेस जो है वो काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है। टेबल टॉप पर आप देख सकते हो आपको एक भी वायर देखने को नहीं मिलते, और जो क्लीननेस है वो भी काफी अच्छी यहाँ पर इन्होंने मेंटेन कर रखी है। और बात करें भाई अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की, तो आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर भी इन्होंने क्लीननेस जो वो काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है। हालांकि केबल मैनेजमेंट पर इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप देख सकते हो आपको यहाँ पर काफी सारे वायर्स देखने को मिल जाते हैं, हालांकि मैं मानता हूं अगर थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो वो उसे भी ये आराम से क्लीन कर सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज करें डेल का 24 इंच का मॉनिटर। माउस यहाँ पर ड्रैगन वॉर का है। कीबोर्ड यहाँ पर सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वाला है। स्पीकर यहाँ पर क्रिएटिव के है। वही बात करें अगर इनके PC स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं कोर i5 4th जनरेशन, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे GTX 1660 Ti यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जिनको CPU परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक मिल जाता होगा। और वही बात आती है गेमिंग के, तो 1660 Ti इनको काफी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। एट दिन अगर बात आती है मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको बस एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आपका GPU है वो आपके CPU को काफी ज्यादा बॉटलनेक करता है, तो अगर आप i7 पे अपग्रेड कर सकते हो तो जरूर करें। मैं मानता हूं तब यहां पर आपका बॉटलनेक जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थैंक यू रॉबिन पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे, नाम है शरीफ सिम्पसन, जो कि 20 साल के ग्राफिक डिजाइनर है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने यहाँ पर काफी भरा भरा सेटअप बिल्ड कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो इन्होंने लुक ओवरऑल अचीव करने की कोशिश करी है वो काफी ज्यादा नेचुरल है। यहाँ पर इन्होंने टेबल टॉप पर डेकोरेट करने के लिए इन्होंने कुछ प्लांट्स का भी काफी यूज किया है, और साथ ही में इन्होंने अपनी बैकग्राउंड की वॉल को भी काफी डेकोरेट किया है, और साथ ही में बैकग्राउंड में इन्होंने RGB स्ट्रिप का भी यूज किया है, जिसको कि अपनी थीम को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। बात करें इनके टेबल टॉप के बारे में, तो आप देख सकते हो इनका टेबल टॉप जो वो काफी ज्यादा भरा भरा है, बट स्टिल यहाँ पर इन्होंने क्लीननेस जो वो काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है। माउस और कीबोर्ड इन्होंने नीचे ड्रॉअर पर रखा हुआ है, दैट इज व्हाई यहाँ पर जो इनको टेबल टॉप पे स्पेस है वो काफी अच्छा मिल जाता है। और वही अगर बात आती है हालत इनके कैबिनेट के अंदर की, तो आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर जो स्पेस है इनको वो काफी कम मिलता है, दैट इज व्हाई यहाँ पर आपको वायर का क्लस्टर जो वो देखने को मिलता है। हालांकि बंदे ने
क्लीननेस जो है वो ठीक ठाक मेंटेन कर रखी है। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे हैं एचपी का 22 इंच का मॉनिटर, माउस यहाँ पर इंटेक्स का है, कीबोर्ड यहाँ पर डेल का है, स्पीकर यहाँ पर ज़ेब्रोनिक्स के हैं। वही बात करें अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं कोर i3 8th जनरेशन, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे GTX 1660 यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इनको सीपीयू परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा मिल जाता है। और वही बात आती है गेमिंग की, तो 1660 में मानता हूँ 1080p गेमिंग के काफी ज्यादा कैपेबल है। एट दिन अगर बात आती है मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको बस एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। इतना अच्छा यहाँ पर आपने पीसी बिल्ड किया है, अगर आप एक अच्छा वाला कैबिनेट अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर करें। मैं मानता हूँ आपके नीड के हिसाब से कूलर मास्टर K501L एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी स्पेक्स वाइज मैं मानता हूँ आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू शरीफ पार्टिसिपेट करने के लिए। फोर्थ कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे, नाम है सोविक मजूमदार जो कि 19 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने यहाँ पर काफी ज्यादा भरा भरा सेटअप बिल्ड कर रखा है। फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर इनके सेटअप को देखते हो ना, तो फर्स्ट चीज जो आप नोटिस करते हो वो इनकी टेबल। यहाँ पर जो ये टेबल यूज कर रहे हैं वो इनके सेटअप के लिहाज से काफी ज्यादा छोटी है। आप देख सकते हो मल्टीपल मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो कि इनके टेबल के बाहर जा रहा है, जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सेकंड चीज जो यहाँ पर आप नोटिस करते हो वो इनका टेबल टॉप। बंदे ने यहाँ पर अपना जो टेबल टॉप बना रखा है ना वो काफी ज्यादा भरा भरा है। स्पेस तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। जितनी भी चीजें यहाँ पर रखी है बंदे ने वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड तरीके से रखी हुई हैं। बट स्टिल आप यहाँ पर देख सकते हो सेटअप को डेकोरेट करने के लिए बंदे ने यहाँ पर बैकग्राउंड में RGB स्ट्रिप भी लगा रखी है, जिसको कि मैं मानता हूँ ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं अपने सेटअप के थीम के हिसाब से। बात आती है वही अगर केबल मैनेजमेंट की, तो आप देख सकते हो ज्यादा वायर्स आपको देखने को मिलते नहीं है, क्योंकि जितने भी वायर्स हैं वो इन्होंने मॉनिटर के पीछे से आराम से निकाले हुए हैं। दैट इज वाई यहाँ पर जो आपको फाइनल लुक मिलता है ना, एटलीस्ट केबल मैनेजमेंट के मामले में इन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हुआ है। और वही बात आती है अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की, तो आप देख सकते हो बंदे ने केबल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। राउट करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी है, जैसा जो मन में आया है राउट कर दिया है। बट स्टिल यहाँ पर उन्होंने क्लीननेस जो वो बस काम चलाओ मेंटेन कर रखी है। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG का 22 इंच का मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड यहाँ पर ज़ेब्रोनिक्स का कॉम्बो, स्पीकर यहाँ पर फ्रंटेक के हैं। वही बात करिए इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो यूज कर रहे हैं कोर i5 9th जनरेशन, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे GTX 1660 यूज कर रहे हैं। तो एट दिन यहाँ पर जिनको सीपीयू परफॉर्मेंस मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। और वही बात आती है गेमिंग की, तो 1660 में मानता हूँ 1080p गेमिंग के लिए तो मैं मानता हूँ मोर देन इनफ है। एट दिन अगर बात आती है मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं बस इनको एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। सेटअप के अक्रॉस अगर आप थोड़ी बहुत क्लीननेस मेंटेन कर सकते हो तो जरूर करें, थोड़ा बहुत स्पेस फ्री कर सकते हो तो जरूर करें। बाकी स्पेक्स से रिलेटेड मैं मानता हूँ आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू सोविक पार्टिसिपेट करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है मरीनाल जो कि 15 साल के स्टूडेंट हैं। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने काफी ज्यादा मिनिमल और काफी ज्यादा सिंपल यहाँ पर सेटअप बिल्ड करने की कोशिश करी हुई है। फर्स्ट चीज जो यहाँ पर आप इनके सेटअप में नोटिस करते हो ना वो है क्लीननेस। बंदे ने यहाँ पर जो सेटअप बिल्ड किया वो काफी ज्यादा सिंपल है, दैट इज वाई यहाँ पर जो आपको लुक देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा क्लीन है। यहाँ पर जो टेबल टॉप पर इन्होंने कोई भी रैंडम पेरिफेरल्स भी नहीं रखे हुए हैं, और केबल मैनेजमेंट पर भी काफी ज्यादा खास ध्यान रखा हुआ है। और वही बात आती है अगर केबल मैनेजमेंट की, तो आप देख सकते हो टेबल के पीछे इन्होंने केबल मैनेजमेंट का काम काफी अच्छा किया हुआ है। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं एसर का 19 इंच का मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड लॉजिटेक का यूज कर रहे हैं, हेडसेट यहाँ पर भी लॉजिटेक का ही है। वही बात करें अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो यूज कर रहे हैं कोर i5 9th जनरेशन, 8GB की रैम है और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे GTX 1650 यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इनको सीपीयू परफॉर्मेंस मिल जाता है वो काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। और वही बात आती है गेमिंग की, तो GTX 1650 1080p गेमिंग के कैपेबल है। एट दिन अगर बात आती है मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास सजेशन देना नहीं चाहता, क्योंकि जितनी भी चीजें यहाँ पर यूज करें वो काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि अगर फ्यूचर में आप अपने मॉनिटर को अपग्रेड कर सकते हो तो जरूर करें। थैंक यू मरीनल पार्टिसिपेट करने के लिए। वेल तो दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट। आई बटन पर एक पोल दिया हुआ जहां पर जाकर आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर सकते हैं, और जिस भी बंदे के सबसे ज्यादा वोट हुए वो बंदा विनर होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।